और गुरुग्राम में प्रवासी मजदूर अपने किराए के मकान खाली करने के बाद सड़कों पर रहकर दिन रात बिता रहे हैं, अपने घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरुग्राम के राजीव चौक पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर फ्लाईओवर के नीचे चटाई बिछाकर कई घंटों से बैठे हुए हैं। अब बस उनके मन में एक ही विचार है कि वो अपने घर पहुँच जाए। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने इन प्रवासियों से बात की। हरियाणा सरकार द्वारा जब से प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए आस जगाई है, तभी से प्रवासी मजदूर जहां जहां भी गुरुग्राम के अन्य इलाकों में रहते थे, वो अब अपने घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के राजीव चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि ऊपर फ्लाईओवर पर जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन उसी के बिल्कुल नीचे प्रवासी मजदूर यहां पर बैठे हुए हैं और अपने घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो अब अपने किराए का जो मकान है उसे खाली करने के बाद अपना सारा सामान लेकर इस समय बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अब ये अपने घर पहुँचे। हालाँकि लॉकडाउन के चलते तमाम प्रवासी मजदूर उस समय अपने किराए के मकान में थे और सरकार द्वारा ये भी कहा गया था कि इनका किराया माफ कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अब ये घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कब से यहाँ पर बैठे हैं ये भी जानता हूँ और आखिरकार कितना इंतजार है इनको अपने परिवार से मिलने का। ये तमाम जो लोग बैठे हैं ये क्या सभी एक ही परिवार के हैं और कहाँ आप जा रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे थे कि आप घर पहुँचे? एक ही परिवार से है, 12 आदमी हैं, सीतामढ़ी घर जाना है। कल से ही हम लोग खाली करके भटक रहे हैं, रात से है IMT मानेश्वर पर, आज सुबह हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मालूम चला कि यहाँ से साधन मिल रहा था, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब मकान खाली किया था आपने? सर कल ही मकान खाली किया था, मतलब दो दिन हो गए हैं। दो दिन हो गया है सर। तो इसी पल्ले के नीचे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब, अभी कोई आया है नहीं आया? नहीं नहीं, यहाँ पर तो हम इसी पल्ले के नीचे इंतजार किए, इससे पहले कल रात दूसरे जगह बिताए हैं, इसलिए हमारे पास तो रूम अब है नहीं कि सब वहाँ पर जाए, फिर लौट के इसलिए हम यहाँ पर आ गए। मालूम चला तो यहाँ पर आए। देखिए बिल्कुल देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बच्चे जो है अपनी माँ का दूध पीकर जो है यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और आखिरकार इन लोगों ने क्या खाया है ये भी मैं जान लेता हूँ, क्या खाया है दो दिनों से, क्योंकि किराए का मकान जो था वो तो खाली कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सो रहे हैं क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है कि आखिरकार इस समय ये कहां पर हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं इनके माँ बाप, लेकिन बस जो है अपनी गहरी नींद में इस समय जो है सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ी है जो कि यहाँ पर सायरन के माध्यम से इनको समझा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस की सायरन जो है क्या कुछ समझा रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं आप एक बार बताइए। आप सभी को सूचित किया जाता है, अभी आपके लिए कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है, आप कृपा करके अपने अपने घर पर अपने स्थान पर चले जाएं, जब भी ट्रेन उपलब्ध होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। आपके लिए अभी कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है, कब से बैठे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? 5:30 बजे से, 5:30 बजे से
आपने कि कोई लॉकडाउन के दौरान फंस गया है और कोई यहाँ पर प्रवासी मजदूर है जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर जाने के लिए बेबस है, इंतजार कर रहा है बेसब्री से, किसी के परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आपने सुना कि गुरुग्राम पुलिस ने भी अपने अनाउंसमेंट के माध्यम से कहा है कि अभी कोई ट्रेन नहीं है, जब भी ट्रेन होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा और उस समय तक आपको किसी फ्लाईओवर के नीचे ही अपना इंतजार करना पड़ेगा और यहीं पर ही रहकर रहना पड़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ।